आज जो हमारे पास कॉल आई है वो इंद्रापुरम की कॉल है। नीहो स्कॉटिश गार्डन अपार्टमेंट है और गोदरेज का फ्रॉस्ट प्री फ्रिज है, तो आइए चल के चेक करेंगे वहाँ पर क्या दिक्कत निकलती है। हमारे यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है ये, बाकी चल के देखेंगे वहाँ पर क्या इशू निकलता है। दोस्तों हम इंद्रापुरम नीहो स्कॉटिश गार्डन अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं और यही है वो गोदरेज फ्रॉस्ट प्री फ्रिज जो कि आज हमें रिपेयर करना है। तो आइए अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं और अपनी साइट पर चलते हैं। तो हम साइट पर आ चुके हैं, यही वो फ्रिज है जो हमें आज रिपेयर करना है, गोदरेज फ्रॉस्ट प्री फ्रिज। देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे, ये बहुत ही पुराना मॉडल है, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले ये फ्रिज आया करते थे। नॉन इन्वर्टर है ये, और ये इसका फ्रीज़र सेक्शन है और ये इसका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही है, फ्रीज़र में माइनर कूलिंग है और इसी फॉल्ट को आज हमें रिमूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप को चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इसकी फ्रीज़र की हमें डक्टिंग खोलनी होगी है, तभी हम डायग्नोस कर पाएंगे कि इसमें क्या इशू है। तो आइए इसकी जो फ्रीज़र की डक्टिंग है हम खोल लेते हैं। तो ये जो गोदरेज के फ्रिज थे, इन फ्रिजेस के अंदर ऑलमोस्ट कॉपर की कूलिंग कॉइल हुआ करती थी, आजकल तो ये बहुत ही कम कस्टमर्स के पास अवेलेबल हैं। तो इसका जो है पूरा फ्रेम लगा होता था बाहर, पूरा फिटिंग, जिसमें कि आपकी आइस ट्रे आती थी और आप कुछ और भी इसमें बटर वगैरह रख सकते थे। तो ये पूरा फ्रेम बनाया हुआ है, पूरा फ्रेम हमें खोलना है इसका। फ्रेम खोलेंगे तभी सामने की डक्ट खुल पाएगी। तो ये हमने इसका फ्रेम हटाकर बाहर कर दिया है। अब इसकी सामने की जो डक्टिंग है उसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, तो हमें वो स्क्रू भी खोलना है कैप हटा के। तो आइए स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद हमारी डक्टिंग खुलेगी, तभी हमारा फॉल्ट क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्ट इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो आइए इसकी डक्टिंग खोलते हैं। तो डक्टिंग खुल नहीं रही क्योंकि आगे जो ये फ्रेम का एक हिस्सा है जो भी बचा हुआ है इसे भी हमें खोलना है, तभी वो प्लास्टिक की डक्ट बाहर आएगी हमारी इजीली। तो आइए इसे भी खोल लेते हैं। तो ये जो गोदरेज के फ्रिज हुआ करते थे, इनमें जो रेफ्रिजरेंट कंपनी यूज़ करती थी, R134A ही यूज़ करती थी कंपनी। और बाकी ये देखिएगा डक्टिंग हमने खोल ली है, सामने थर्माकोल की डक्टिंग लगी हुई है, इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप इसका जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट का फ़ैन है वो स्टॉप पड़ा हुआ है, और कूलिंग कॉइल पे देखिएगा पूरी आइस आई हुई है, आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल पे पूरी आइस है। और ये फ्रीज़र का फ़ैन हमारा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए मल्टीमीटर लगाते हैं अपना 750 एसी वोल्ट पर। और जो ये फ़ैन मोटर के जो कनेक्टर्स हैं इन पर हमें सप्लाई चेक करनी होगी अपने मल्टीमीटर के निडल से। तो आइए मल्टीमीटर के निडल इनके दोनों वायर्स में दे देते हैं, जहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है। तो हमें यहाँ पर 200 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि सप्लाई जो है फ़ैन मोटर पे जा रही है। अगर सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब कि हमारी सारी वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, जो फॉल्ट है मेन हमारी फ्रीज़र की फ़ैन मोटर में ही फॉल्ट है। तो इसके लिए हमें इसको फ्रीज़र की फ़ैन मोटर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो आइए इसका जो फ़ैन मोटर को खोल कर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसका स्क्रू खोल लिया, अब इसकी फ़ैन ब्लेड भी हमें बाहर निकालनी होगी। तो इसमें एक क्लिप लगा होगा, सबसे पहले हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये फ़ैन ब्लेड आसानी से बाहर आ पाएगी। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये फ़ैन ब्लेड टूट जाएगी। तो पहले जो इसकी क्लिप है जिससे ये जकड़ा हुआ है पूरा फ़ैन ब्लेड, उसको बाहर निकालते हैं।
तो हमारी क्लिप बाहर आ गई है, देख सकते हैं आप ये क्लिप फैन प्लेट के ऊपर लगी होती है। और अब हम इसे फैन प्लेट को भी बाहर निकाल लेंगे, तो हमारी फैन प्लेट बाहर आ गई। अब हम इसके बैक साइड से मोटर को नीचे की तरफ पुश कर लेंगे, तो हमें दूसरा स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ऐसे बाहर आ जाएगी मोटर ये। तो ये हमारी फैन मोटर बाहर आ चुकी है, और हमने जो फ्रिज का स्विच है वो ऑफ किया हुआ है इस टाइम पे। कभी भी आप अगर ये काम करें तो फ्रिज का स्विच ऑफ करके ही करें। तो हमने ये फ्रिज ऑफ किया हुआ है और इसके ये दोनों यहाँ से कनेक्टर्स निकाल दिए हमने। इनमें 220 वोल्ट आती है, जो कि हमने पहले मल्टीमीटर से चेक करी थी, 200 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रही थी। तो अब हम यहाँ पर नई मोटर रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये वाली फ़ैन मोटर हम इसमें लगाएंगे आज, बिल्कुल सेम है देखिएगा आप। और इनकी फ़ैन मोटर लगाते टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, कभी भी आप किसी फ्रिज के फ्रीज़र में फ़ैन मोटर रिप्लेस करें तो उसका जो फ़ैन का फ्लो है वो सामने ही आना चाहिए, बैक साइड में नहीं जाना चाहिए। तो अगर फ्रिजर का फ़ैन का फ़ैन फ्लो सामने आएगा तो ही फ्रिज सही प्रॉपर काम करेगा। तो कभी भी आप फ्रिजर की फ़ैन मोटर चेंज करें तो ये चीज़ का आप ध्यान हमेशा रखें कि फ़ैन का फ्लो सामने ही आना चाहिए। तो हमने तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसका फ़ैन फ्लो सामने ही है। तो आइए इसको फिट कर देते हैं फ़ैन मोटर को। सारी फिटिंग आप ये ऑफ करके ही करें फ्रिज में, जिससे कि शॉक लगने का कोई ख़तरा ना हो, करंट लगने का। तो ये इसकी फ़ैन ब्लेड की हम क्लिप वापसी इसमें फंसाएंगे, जैसे कि हमने निकाली थी पहले। और अब इसकी फ़ैन ब्लेड भी हम इसमें यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारी फ़ैन ब्लेड लग चुकी है। अब जो हमारी ये फ़ैन मोटर की जो वायर्स हैं, इन्हें हमें इस तरीके से लगाना है कि ये फ़ैन ब्लेड से टच ना हो बिल्कुल भी। तो ये हमने कनेक्टर इसके दोनों लगा दिए हैं पहले, और इनको हम टेपिंग भी करेंगे अच्छे से, ताकि करंट जो है फ्लो ना हो। कूलिंग कॉइल से टच ना हो जाए कहीं कनेक्टर, कई बार अगर कूलिंग कॉइल से कनेक्टर टच हो जाते हैं तो कूलिंग कॉइल के अंदर होल तक कर देते हैं और गैस लीक हो जाती है, और वो कूलिंग कॉइल ही रिप्लेस करनी पड़ जाती है इस केस में। तो इसलिए कभी भी ये कनेक्टर्स अगर आप लगाते हैं तो इनको अच्छे से टेपिंग कर दें, ताकि यहाँ से करंट फ्लो बिल्कुल भी बाहर की तरफ ना हो, क्योंकि अगर एसी न्यूट्रल से टकराएगा तो वो कूलिंग कॉइल तक में होल कर देगा, बहुत तगड़ा स्पार्क होता है। तो ये हम इसको टेपिंग कर देते हैं यहाँ से। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कनेक्टर्स को हम टेप कर देते हैं अच्छे से। इनको टेपिंग करने के बाद हम जो वायर्स हैं, इन्हें हम ऐसे करके, जैसे इनके एक पॉलीथीन लगी हुई है फ्रिज में बैक साइड में कूलिंग कॉइल के ऊपर, तो ये दोनों सारे वायर्स हम उसके अंदर ही इनपुट कर देंगे। और जो ये फ़ैन का जो वायर है, इसको हम ऐसे लगाएंगे कि ये फ़ैन ब्लेड से ना टकराए। तो आप देख सकते हैं फ्रिज हमने ऑन कर दिया है और ये इसका फ़ैन मोटर अब वर्क करने लगा है। तो हमारा फॉल्ट जो रिमूव हो गया, अब हम फ्रिज को दोबारा से ऑफ कर देते हैं और इसकी सारी फिटिंग अब हम कर लेंगे। तो ये वायर्स हम इसके पॉलिथीन के अंदर डाल देते हैं सारे, जिससे कि ये कूलिंग कॉइल वगैरह से टच ना हो। और ये जो फ़ैन मोटर का जो वायर है, इसको हम पीछे की तरफ फंसा देंगे, जिससे कि वो फ़ैन ब्लेड से ना टकराए। कई बार ये वायर अगर आगे की तरफ फ़ैन ब्लेड की तरफ आ जाता है तो ये काफ़ी विसल करता है और इरिटेटिंग साउंड करता है, और फ़ैन ब्लेड के बीच में भी अटक जाता है। तो इसलिए उसको ध्यान से पीछे की तरफ कर दें। और ये हमारी डक्टिंग लग चुकी है इसमें। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, जो भी टेक्निकल आपके फ्रेंड्स हैं। तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको एक एक चीज़ सिखाने का, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। और इसकी सारी फिटिंग, तो आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कभी आपको भी इस तरह का फॉल्ट मिला है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वाले गोदरेज के फ्रिज अब मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल हैं। गोदरेज ने भी ऑलमोस्ट इन्वर्टर फ्रिज
ही बनाने चालू कर दिए हैं। तो ये ओल्ड मॉडल गोदरेज है। आई होप आपको सारी जानकारी आज की वीडियो में मिल गई होगी कि आपको ये फ्रिज किस तरीके से टेस्ट करना है और कैसे इसको रिपेयर करना है, इसकी डक्टिंग को किस तरीके से खोलना है। और जो इसका फ्रीजर का जो सामने आप देख रहे हैं ए बी सी लिखा हुआ है, इसको ए पर ही आपको सेट करना है, जिससे कि आपको लोअर पार्ट में इसके कूलिंग अच्छी मिलेगी, फ्रीजर फैन की फ्लो नीचे अच्छा जाएगा। तो ये इसकी फ्रीजर की एडजस्टमेंट है। बाकी कभी आपके सामने अगर इस तरह का फॉल्ट आएगा तो आपको इसी तरीके से इसको रिजॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चेक करना है। तो हमें जो इसका फॉल्ट फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया, तो बाकी आपको भी देखकर समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे रिपेयर किया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही बना रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।